Hello, dear students. How are you? Here, myself, kashin Chauhan from Government, Varishtha Sanskrit School, Data Ramgarh, Sikkar. Dear students, today we shall learn lesson number 9. The name of the lesson is The Bond of Love, and it's paragraph number 21 to 23rd, part 7, from your English textbook. बिहाइव लेकिन इससे पूर्व हम ये देखेंगे कि हमने पैराग्राफ नंबर ट्वेंटी में ये पढ़ा कि उस ब्रूनो और या वो जो बाबा था उसको वापस एक पिंजरे में डालकर उसको कार के टॉप पर रख करके और वापस रिटर्न जर्नी हुई कहाँ की बंगलोर की और फिर आगे क्या होता है ये देखेंगे हम पैराग्राफ नंबर ट्वेंटी फर्स्ट में लेटस स्टार्ट पैराग्राफ नंबर ट्वेंटी फर्स्ट होम क्या किया गया वंस होम ए स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड एक बार घर पहुंचने पर वंस होम बोला एक बार घर पहुंचने पर क्या करना है फड़ा ए स्क्वाड ऑफ स्क्वाड ऑफ कुलीज यानी कुलियों का एक दल नियुक्त किया गया वर इंगेज नियुक्त किया गया फॉर स्पेशल वर्क विशेष कार्य के लिए कहाँ इन अवर कंपाउंड हमारे बाड़े में और पूरे सेंटेंस कर तो एक बार घर पहुँचने पर हमारे घर के बाड़े में विशेष कार्य करने के लिए स्पेशल वर्क करने के लिए कूलियों का एक स्क्वाड नियुक्त किया गया यानी कूलियों के दल को नियुक्त किया गया एन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा और बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया एक टापू बनाया गया इट वाज ट्वेंटी फिट लॉन्ग एंड फिफ्टीन फिट वाइड और ये कितना बड़ा था बीस फुट लंबा और पंद्रह फिट चौड़ा था एंड सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट और एक गड्ढे या खाई द्वारा ये घेरा हुआ था यानी चारों तरफ इसके खाई थी और मोट मोट खाई को कहते हैं पिट यानी गड्ढा या खाई से वो घिरा हुआ था और वो खाई कितनी बड़ी थी सिक्स फीट वाइड एंड सेवन फीट डीप छः फीट तो चौड़ी और सात फिट गहरी खाई थी जिससे वो आइलैंड घिरा हुआ था ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल्स वाज ब्रॉट और एक वुडन बॉक्स क्या लाया गया लकड़ी का एक बॉक्स जिसमें क्या था वंस हाउस्ड फाउल्स जिसमें कभी मुर्गियों का आवास था फाउल्स फाउल्स का बोलता मुर्गियों का या मुर्गों का आवाज़ था फाउल्स मुर्गों का आवाज़ था वो वुडन बॉक्स है वाज ब्रोट लाया गया एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट और बाबा के लिए पुट ऑन यानी रख दिया गया ऑन आइलैंड उस टापू पर फॉर बाबा बाबा के लिए टू स्लीप इन एट नाइट इसके अंदर रात को सोने के लिए एक्स्ट्रा वाज प्लेस्ट और घास जो है वो क्या करने की गई स्टाज प्लेस इन साइड टू कीप हिमवार में और उसे गर्म रखने के लिए उस्मित रखने के लिए उसके अंदर घास पूस रख दी गई एंडज़ बेबी और उसके बच्चे के जो क्या था द गल स्टम्प वो बेबी क्या था द नॉल्ड इस्टम्प जी एन ए आर एल ई डी यहाँ जी साइलेंट है एन ए आर आर साइलेंट नॉल्ड स्टम्प जो क्या था एक गांठदार वो बेबी क्या था उसका कि एक गांठदार दार स्टम्प यानी डंडा था अलोंग विथ हिज गन और इसकी बंदूक के साथ यानी एक तो उसका बेबी वारक दिया गया जो घाटदार डंडा था और दूसरा अलाउ विथ हिज गन और एक गन भी वहाँ रख दी गई गन क्या थी द पीस ऑफ बम्बू जो बांस का टुकड़ा था बोथ ऑफ विच बॉथ ऑफ विच वो दोनों क्या थे हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू इन दोनों चीज़ों को क्या किया गया कि दोनों को जब इसे इसे बाबा को चिड़ियाघर में भेजा गया था तब इन दोनों चीज़ों को हैडबीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व भावुकता बस सेंटिमेंटली भावुकता बस प्रिजर्व संभाल करके रखा गया था कब सिंस ही बीन सेंट अवे टू द जू जब उसे जू में भेजा गया तब से इनको भावुकता पूर्ण संभाल करके रखा गया था उन सबको उन दोनों चीज़ों को क्या किया गया वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विथ दोनों चीज़ों को वापस क्या किया गया उसको खेलने के लिए टापू पर रख दिया गया इन ए फ्यू डेज़ द दे कुलीज होस्टेड द केज और कुछ ही दिनों में इन फ्यू डेज़ कुछ ही दिनों में द कुलीज़ उन कुलियों ने अर्थात मज़दूरों ने होस्टेड द केज पिंजरे को उठाकर कहाँ ऑन टू द आइलैंड टापू पर रख दिया गया एंड बाबा वाज रिलीज और बाबा को मुक्त कर दिया गया बाबा को मुक्त किया गया उस टापू पर ही वाज डिलाइटेड वह प्रसन्न था स्टैंडिंग ऑन हिज लेग्स और अपनी पिछली टांगों पर खड़े होते स्टैंडिंग खड़े हुए थे ऑन हिज हैंड लेग्स पिछली टांगों पर ही पॉइंटेड हिज गन उसने अपनी बंदूक को तना एंड क्रेडल्ड हिज बेबी और अपने बेबी को क्रेडल्ड किया क्रेडल्ड का मतलब पालने में बच्चों को पालने बच्चों के पालने में हिलाया माय वाइफ स्पेंट ओवर सिटिंग ऑन ए चेयर देयर मेरी पत्नी क्या करती वहाँ कुर्सी पर घंटों समय बिताती माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन ए चेयर मेरी पत्नी वहाँ कुर्सी पर बैठी घंटों व्यतीत करती वाइल जबकि ही सेट ऑन हर लेप जबकि वह उसकी गोद में बैठा रहता कौन वो बाबा किसकी गोद में हर लेप उसकी गोद में किसके और थर्स वाइफ की गोद में ही वाज फिफ्टीन मंथ्स ओल्ड वह पंद्रह माह का था एंड प्रेटी हैवी टू और अत्यधिक भारी भी था प्रेटी सुंदर था लेकिन यहाँ प्रेटी हेवी टू यानी अत्यधिक भारी भी था द वे माई वाइफ रिचेज द आईलैंड एंड लिवज इट इज इंटरेस्टिंग द वे वेरी तरीका जिस तरीके से लेकर कह रहा हैं माई वाइफ रिचेज द आईलैंड जिस तरीके से मेरी पत्नी टापू पर पहुंचती है एंड लिव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग और उसको छोड़ती है वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यानी रोचक है कैसे आई हैव टाइड ए रोप टू दर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री विथ ए लूप एट इट्स एंड लेकर कह रहा है कि मैंने एक आम के वृक्ष की ऊपर से लटकी हुई शाखा आई हैव टाइड ए रोप मैंने एक रस्सा बांध दिया किसके टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री एक आम के पेड़ की ऊपर से लटकती हुई शाखा से मैंने एक रोप को बांध दिया कैसे बांधा विथ ए लूप एट इट्स एंड जिसके एक छोर पर एक फंदा बना था लूप बना हुआ था फंदा एंड पर फुट इन द लूप पुटिंग रखते हुए वन फुट यानी एक पैर इन द लूप लूप में उस फंदे में एक पैर रखते हुए ऑफ़ द अदर दूसरे पैर से वह झटका मारती है टू ब्रिज द सिक्स फुट गेप फिट के टू ब्रिज ब्रिज का मतलब सेतु बंधन के लिए सेतु बंधन द सिक्स फुट गेप छः फुट जो गेप था ना, छ फुट के अंतराल के लिए बीच में जो खाई थी ना छः फुट थोड़ी, उस अंतराल के लिए वह सेतु बंधन के लिए या ब्रिज का मतलब पुल के रूप में अर्थात उस दूरी को तय करने के लिए एक पैर वो फंदे में रखती है दूसरे पैर से झटका मारती है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द वे ऑफ द सराउंडिंग पिट जो कि चारों ओर बनी खाई की चौड़ाई भी है द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे और रिटर्न जर्नी जो होती अर्थात वापस लौटने की यात्रा भी इसी तरीके से होती बट वो कैन से लेकिन कौन कह सकता है नो यूनि अब अब कौन कह सकता है दैट ए स्लोथ बियर जो स्लोथ बियर है हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन कौन कह सकता है कि एक स्लोथ बियर में स्नेह का भाव नहीं होता नो मेमोरी यादाश्त नहीं होती ए नो इंडिविजुअल करेक्ट्रिस्टिक्स और उसका व्यक्तिगत कोई गुण नहीं होते ऐसा कौन कह सकता है यानी ये सब चीज़ें उस ब्रूनो में थी तो डेर स्टूडेंट्स आज हमारा ये लेसन नंबर नाइन है वो द एंड समाप्त हो चुका है हमने इसको कंप्लीट कर लिया है इसके राइटर है किनित एंडरसन किनित एंडरसन का लिखा हुआ है, ये लेसन है आप इसकी मीनिंग याद करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ अजय इसकी मीनिंग याद करने से लेसन अच्छी तरह समझ में आएगा थैंक यू